दोस्तों बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बीते कुछ सालों में बांग्लादेश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 2018 में बांग्लादेश ने 7.86% की एनुअल ग्रोथ से आगे बढ़ने का टारगेट हासिल किया था। 16.6 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश फूड प्रोडक्शन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। 2009 से बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है। दोस्तों अगर विश्व बैंक की माने तो बांग्लादेश में पहले हर रोज 100 रुपए में अपना जीवन चलाने वाले 19% लोग थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 9% ही रह गया है। यानी कि बांग्लादेश में गरीबों की संख्या में भी कमी हुई है। वहाँ की सरकार को देखे तो शेख हसीना 3 बार से प्रधानमंत्री बनी हुई है और लोगों का कहना है कि बांग्लादेश को शेख हसीना से अच्छी प्रधानमंत्री नहीं मिल सकती। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश ने जीडीपी ग्रोथ में इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश अपनी जीडीपी को कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश का भारत के साथ पूरी तरह से कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं जबकि बांग्लादेश में 20 करोड़ के आसपास ही लोग रहते होंगे। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के लिए 1 लाइक तो बनता है।